आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि युवा भारतीय महत्वाकांक्षी है और वो बैंकों में रकम जमा करने के स्थान पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसे उथल पुथल वाले बाजारों में पैसा लगा रहा है। इससे कई फौरी दिक्कतें नहीं आने वाली, लेकिन आगे चल के ये ट्रेंड बरकरार रहा तो आगे चलकर लिक्विडिटी की समस्या सामने आएगी। इसलिए बैंकों को इस पर नज़र रखते हुए उपाय सोचना चाहिए और ऐसी स्कीम का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए जिनसे आकर्षित होकर लोग उनके डिपॉजिट आता रहे। आरबीआई प्रमुख ने कहा कि भारतीय युवा इंटरनेट युग में बेहद महत्वाकांक्षी है और ऐसा सारी दुनिया में होता आ रहा है। इंटरनेट से सब कुछ सामने आता है और युवा अलग अलग जगह पर पैसा लगाते हैं। इस पर हम सिर्फ बैंकों को प्रोएक्टिव होने की सलाह दे सकते हैं। इस ट्रेंड से तुरंत कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन आगे चलकर ये स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी की समस्या पैदा करेगा। लंबे वक्त तक डिपॉजिट क्रेडिट ग्रोथ और असंतुलन ठीक नहीं है। शांतिकांत दास ने कहा कि डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ के बीच आया अंतर अगर लगातार बढ़ता रहा तो ये लिक्विडिटी की समस्या पैदा करेगा। क्रेडिट बढ़ रहा है लेकिन डिपॉजिट ना बढ़े तो साल 6 महीने के बाद कोई दिक्कत ना होने के बाद भी समस्या पैदा होने लगती है। ये ट्रेंड पिछले साल से ही शुरू हो गया था, लेकिन ये असर लगातार बरकरार रहा तो दिक्कत देखने को मिलेंगी। इसलिए बैंकों को प्रोएक्टिव तरीके से लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बेहद सावधानी से काम करने की डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ के बीच संतुलन बनाना होगा। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि बैंक में इस भावी समस्या को समझ रहे हैं। उन्होंने कहा, सकारात्मक बात यह है कि बैंक भी समस्या को लगातार समझ रहे हैं और कई बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाने लगे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की खासियत होती है कि आकर्षक कीमत पर मिलते हैं और बैंकों के लिहाज से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड डिपॉजिट नहीं है, इसलिए बैंकों के रिजर्व रिक्वायरमेंट भी नहीं होता। यानी बैंकों के लिए ये बंधन नहीं रहेगा कि CRR में इतनी रकम रखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा इसी से जुड़े स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग के मुद्दे पर बात करते हुए शांतिकांत ने कहा कि बैंकों और NBFC के गवर्नेंस में स्तर पर ध्यान दिया है और पिछले कुछ सालों में इसमें सुधार देखा गया। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।